सिक्योरिटी गार्ड और हमारा मुख्यमंत्री इनका ड्राइवर बन के देश भर में घूम रहा होता है। पंजाब के लोग हाथ में गुहार लाते, मुख्यमंत्री को बोल रहे पानी से बचा लो, हमारी मदद कर दो, तो ये राहुल गांधी के साथ हाथ बटाने के लिए कर्नाटका के स्टेज पे चढ़ा होता है। पंजाब के टुकड़े टुकड़े करके इतने बड़े पंजाब को हिमाचल बना दिया, हरियाणा बना दिया, दिल्ली राजस्थान सब बना दिया। पंजाब के साथ जो ज्यादती करी 12 साल तक इन्होंने राष्ट्रीय शासन वहां पे लगा के रखा। पंजाब इज टोटली अंडर द कंट्रोल ऑफ केजरीवाल, a leader of a small union territory is ruling the state of Punjab. He is asking for more powers over here, but he has suppressed every power of Punjab, sir. You will be surprised to know, sir, Punjab mein DGP chunna ho, to Kejriwal faisla karta hai. Punjab mein AGP lagna ho, to Kejriwal faisla karta hai. Chief Secretary, Principal Secretary, sab Kejriwal faisla karta hai. Aray, humare Punjab ki Rajya Sabha ki seaton mein bhi Dilli ke log ja ke baithte hain. तो ये कौन सी पावर्स की बात कर रहे हैं? जब दिल्ली जब पंजाब बाढ़ में डूबा होता है तो हमारा हेलीकॉप्टर और हमारे सिक्योरिटी गार्ड और हमारा मुख्यमंत्री इनका ड्राइवर बन के देश भर में घूम रहा होता है। पंजाब के लोग हाथ में गुहार लाते, मुख्यमंत्री को बोल रहे पानी से बचा लो, हमारी मदद कर दो, तो ये राहुल गांधी के साथ हाथ बटाने के लिए कर्नाटका के स्टेज पे चढ़ा होता है। तो सर, ये कौन सी पावर्स की बात कर रहे हैं? हमारा स्टेट तो पूरी तरह आउटसोर्स इनको हो गया है। सो जो प्रैक्टिस करते हैं उसको पहले तो ये प्रीच करें। हर तरीके से पंजाब के साथ इन्होंने धोखा किया है। साढ़े पैसे उड़ाए जा रहे हैं केजरीवाल नु चमकाउन वास्ते। जब कोई पंजाब दे पैसिया दे नाल कश्मीर तो कन्याकुमारी दे अखबारा ते करोड़ा रुपए दे इश्तेहार निकलते ने, की लोड़ हैगी इहदी? हर पक्षों पंजाब दे हक, भावे साढ़े राजधानी दे उत्ते साडा हक होए, ओ इन्हां ने आम आदमी ने कमजोर किया। साढ़े पानिया चे कम आज ये दोनों रल मिल गए ने। सर, इट इज अमेजिंग इन पंजाब द रूलिंग पार्टी एंड द ऑपोजिशन पार्टी हैव बिकम वन। कांग्रेस एंड आम आदमी पार्टी हैव बिकम वन। द कैट इज आउट ऑफ द बैग, दे वर ऑलवेज टुगेदर, नाउ इट हैज बीन प्रूव्ड। व्हाट फर्दर प्रूफ इज नीडेड? दे फॉट द इलेक्शंस टुगेदर ओनली टू कीप अकाली दल आउट। और अब इनका क्या यहाँ कह रहे हैं? ओहो वेंडेटा हमारे साथ, ईडी सीबीआई, तो वहां पे विजिलेंस क्या आम आदमी पार्टी की कांग्रेसियों के साथ? वो तो यही रो रहे हैं कि आम आदमी पार्टी की विजिलेंस हमें मार रही है। सो द कांग्रेस यूनिट हैज टोटली डिसबैंडेड एंड डिस्कार्डेड द कांग्रेस यूनिट ऑफ पंजाब एंड दे आर ओनली टुगेदर फॉर एन अनहोली अलायंस। सर, पर सर क्या करेंगे? अलायंस अनहोली नहीं, आई वुड कॉल इट अ वेरी होली अलायंस, क्योंकि कांग्रेस का इतिहास तो कौन नहीं जानता है। इन्होंने क्या नहीं करा? पंजाब के टुकड़े टुकड़े करके इतने बड़े पंजाब को हिमाचल बना दिया, हरियाणा बना दिया, दिल्ली राजस्थान सब बना दिया। पंजाब के साथ जो ज्यादती करी 12 साल तक इन्होंने राष्ट्रीय शासन वहां पे लगा के रखा। सिखों के कत्लेआम किए, हमारे अकाल तख्त पे हमले किए। दिस पार्टी हैज ऑलवेज अटैक पंजाब एंड पंजाबीज एंड नाउ दे हैव कम टुगेदर टू अटैक दैट। सो ये बात कर रहे हैं फेडरल स्ट्रक्चर की, जिन्होंने इमरजेंसी लगाई और हर एक तरह की फेडरल चीज की धज्जियां उड़ाई, सारी इंस्टीट्यूशंस पंजाब में वीक कर दिया। आज ये दोनों खतरनाक लोग इकट्ठे हो गए हैं, तो ये खतरे की घंटी है। लेकिन सर, इनको भी ज्यादा हंसने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये भी जो कर रहे हैं वो भी कोई खास चीज नहीं है। मैं आपको तो उदाहरण देती हूँ, हमारी रिलीजियस बॉडी, हमारी एसजीपीसी, एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड बॉडी बाय द सिक्स, एन एक्ट पास बाय दिस पार्लियामेंट। हम सिख अपने एसजीपीसी को इलेक्ट करते हैं हमारे धार्मिक समस्याओं को चलाने के लिए। इंटर स्टेट बॉडी पुराने पंजाब की, हरियाणा सब में, दिल्ली तक, ये क्या करते हैं? ये क्या वही जो वो करते हैं, इंटरफियरिंग इन आवर रिलीजियस राइट्स? मैं आपको अभी बताऊं, हरियाणा की हमारी एसजीपीसी को बिल ये कांग्रेस लेके आई तोड़ने के लिए, उस बिल को इम्प्लीमेंट इन्होंने किया, कब्जे गुरुद्वारों को एसजीपीसी को बाहर कर दिया। और ये आम आदमी पार्टी जो पंजाब की है, इनका तो सिख मुख्यमंत्री ने अपने ही विधानसभा में बिल लाके हमारे एसजीपीसी के ऊपर एक लेजिस्लेशन लाके डायरेक्ट इंटरफेरेंस एंड टोटल वायलेशन। सो सर, ये तीनों, दिस बिल इज अ फास्ट सर। हम ये बिल, ऐसा बिल कोई ट्रू फेडरल स्ट्रक्चर में होता, ये सब गिरगिट है। जब कोई इधर बैठता है उधर बैठता है, इनकी सोच बदल जाती है,